जॉन विक एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जो सिनेफाइल्स के लिए एक इमोशन है, स्पेशली द वंस हु लव एक्शन फिल्म्स। इस फिल्म ने लिटरली एक्शन सिनेमा को ही बदल के रख दिया है जस्ट बिकॉज हमने जॉन विक जैसी फिल्म देखी है। बट अगर मैं बात करूँ इंडियन एक्शन फिल्म्स की, तो वो बहुत ही अलग तरह की होती हैं। हमारी एक्शन फिल्म्स हमेशा मास फिल्म फॉर्मूला के अराउंड बनाई जाती हैं, और कहीं ना कहीं ये नैरेटिव बहुत रेपिटेटिव हो गया है। आई रियली फील कि जॉन विक की जिस तरह से स्टोरी है वो बहुत ही सिंपल है। हम उस तरह की स्टोरीज में एक्शन फिल्म्स क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? What do we lack the most? The vision or the audience? My name is Vishal and this is a video essay where I'm gonna reimagine a scenario of how we can make a film like John Wick. Or you can even call it why we can never make a film like John Wick. I will also mention some Indian directors and actors who might be able to pull off an action film like John Wick, at least Indian narrative mein. Ye bahut hi interesting video hone wali hai. So make sure you watch it till the end. People keep asking if I'm back. Yeah, I'm thinking I'm back. सबसे पहले बात करते हैं एक्शन फिल्म्स की राइटिंग की। इफ़ यू सी द स्टोरी ऑफ जॉन विक, वो बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है जहाँ वी सी द कैरेक्टर ऑफ जॉन ग्रीविंग आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ एंड हिज डॉग। जॉन को रिवेंज लेना है, जिसके थ्रू वी गेट टू सी लॉट ऑफ एक्शन सीन्स एंड सिचुएशंस, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ जॉन विक, एटलीस्ट फॉर जॉन विक 1। नथिंग मोर, अ प्लेन सिंपल स्टोरी। एक्शन फिल्म्स को लिखने के लिए एक अलग ही स्किल सेट चाहिए, स्पेशली वेन यू हैव टू राइट दोज एक्शन सीक्वेंसेज। इंडियन एक्शन फिल्म्स की स्टोरीज हमेशा से बहुत जेनेरिक रही हैं। इट्स मोस्टली अबाउट सेविंग द कंट्री फ्रॉम द टेररिस्ट और सेविंग हिज गर्लफ्रेंड और एट टाइम्स बोथ। हमारी एक्शन फिल्म्स की राइटिंग कुछ इस तरह की होती है कि जब तक उनमें एक्शन सीन्स ना आए ना, तब तक वो एक्शन फिल्म लगती ही नहीं है। उनके रोमांटिक सीन, कॉमेडी सीन्स, उनके ब्लैंक सीन्स इसी तरह के होते हैं कि जैसे लगता है कि कोई भी रैंडम फिल्म चल रही है। और वहीं अगर मैं बात करूँ जॉन विक की, एक्शन सीन्स उसमें एक बिल्डअप के बाद आते हैं। कैरेक्टर्स और उनकी सिचुएशंस को आपको अच्छे से समझाया जाता है, उसी के बाद वो एक्शन सीन्स आते हैं। एक वाइब होती है एक्शन फिल्म की जो उसे इंटेंस बनाती है। उसमें हर वक्त एक्शन दिखाना ही जरूरी नहीं होता, उसकी एक फील होती है जो जॉन विक में आपको नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल, द फेमस सीन वेयर इट इज सेड कि जॉन विक ने 3 लोगों को एक पेंसिल से मारा था। दिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स अस द पावर ऑफ जॉन विक, द फियर दैट पीपल हैव फ्रॉम जॉन विक। ऐसा सीन ही हम हमारी फिल्म्स में नहीं लिख पाते हैं। हमारे एक्शन सीन्स को इतना अनबिलीवेबल बना दिया जाता है, फिर उसमें रोमांस भी चाहिए, फिर उसमें स्लो मोशन इफेक्ट भी देना है बिकॉज दोनों के एक्टर्स या हीरो की शक्ल अच्छे से दिखे। हमारी फिल्म्स हमेशा एक हीरो के बारे में बन के रह जाती हैं, वहीं जॉन विक अपने लीडिंग कैरेक्टर से ज़्यादा उस वर्ल्ड पे फोकस करती है जिसकी वजह से वो जॉन विक बना है। जिस तरह से फिल्म में अंडरवर्ल्ड और असैसिन्स को दिखाया गया है, जहाँ पे उनकी अपनी एक सोसाइटी है, जहाँ पे उनके अपने एक सेट ऑफ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जॉन विक की पूरी फिल्म स्टोरी इज ऑल अबाउट रूल्स, और उन रूल्स को तोड़ने की वजह से ही फिल्म की सिचुएशंस टेंस होती हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सी 4 पार्ट्स ऑफ इट। मुझे नहीं लगता कि इतनी वर्ल्ड ड्रिवन राइटिंग हम अपनी एक्शन फिल्म्स में भी कर पा रहे हैं। यहाँ पे वी ओनली फोकस ऑन द लीडिंग एक्शन हीरो, और उसके कोई रूल्स या उसकी कोई वीक लिंक्स होते ही नहीं है। ही कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और हम उसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि वो एक्चुअली ऐसा कर कैसे पा रहा है। सो दैट इज द मेन लर्निंग, कि अगर हम कभी एक जॉन विक जैसी फिल्म बनाने की कोशिश करें, देन वी हैव टू स्टार्ट विद राइटिंग फॉर एक्शन, नॉट राइटिंग फॉर द स्टार ऑफ द फिल्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्टर्स विजन। जॉन विक जैसी फिल्म में डायरेक्टर का विजन बहुत मैटर करता है। चैड स्टेलेस्की ने एज अ डायरेक्टर जॉन विक के वर्ल्ड को बहुत डेप्थ में जाके पहले समझा है, और उनका जो स्टाइल ऑफ डायरेक्शन है, दैट हैज नेवर गॉन ओवरबोर्ड विद द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म। जॉन विक के हर नए पार्ट में ही हैज डिलीवर्ड अ ब्रिलियंट फिल्म। मुझे तो याद नहीं कि कब मैंने 4 पार्ट एक फिल्म के देखे और वो इतने ज्यादा अमेजिंग हो। और उन्होंने अपने चारों पार्ट्स में कभी ऐसा भी नहीं किया कि किसी मेनस्ट्रीम पॉपुलर एक्टर को उन्होंने इसमें कास्ट किया हो, जो यूजुअली अदर फ्रेंचाइजेस करती हैं। पर उन्होंने कभी भी इस तरह के मार्केटिंग ट्रोप्स नहीं फॉलो किए। दिस एक्सप्लेन्स कि चैड का विजन पहली फिल्म से ही कितना प्लान्ड था। इट फील्स लाइक ही ऑलवेज न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, एंड लुक एट जॉन विक नाउ, इट हैज चेंज्ड द वे वी सी एक्शन फिल्म्स। वहीं अगर मैं बात करूँ इंडियन सिनेमा की, देन वी डेफिनेटली लैक दैट विजनरी सेंस फ्रॉम अ डायरेक्टर। यूजुअली व्हाट दे ट्राई टू डू इज कि हम ज्यादातर हॉलीवुड को ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं या उनके जैसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये लगता है कि हमें अपनी फिल्म्स में कुछ ओरिजिनल क्रिएट करना चाहिए, चाहे हमारे इन्फ्लुएंसेस वर्ल्ड सिनेमा से ही लिए हों। दिस इज समथिंग व्हाट रामगोपाल वर्मा डिड रियली वेल। उनकी पुरानी फिल्म्स में, फॉर एग्जांपल लाइक सत्या एंड कंपनी, यू सी द वर्ल्ड बीइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर दोज कैरेक्टर्स। वो अंडरवर्ल्ड को एक अलग ही दुनिया की तरह दिखाते थे, जिससे हम उन्हीं कैरेक्टर्स में अपना हीरो ढूंढते थे, इररिस्पेक्टिव वो इवेंचुअली क्रिमिनल्स हैं। सिमिलरली इन जॉन विक, चैड फॉलोज द सेम रूट,
एवरी कैरेक्टर इज एन असैसिन जिसका काम है लोगों की जान लेना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि स्टोरी कैसी भी हो पर उसका वर्ल्ड बिलीवेबल होना चाहिए ऑडियंस के लिए। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडियन डायरेक्टर टू फॉलो। इफ यू हैव टू मेक समथिंग लाइक जॉन विक इन इंडिया देन आई वुड लव रोकेश कनगराज टू टेक द चार्ज। उनके एक्शन सीन्स, वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर आर्क और जिस तरह से उनकी फिल्म्स की स्टोरी कल्चरली इंडियन रहती हैं, दिस मेक्स मी फील ही इज पोटेंशियली अ गुड ऑप्शन टू डायरेक्ट अ फिल्म लाइक जॉन विक। इसके अलावा आई थिंक दिबाकर बनर्जी हैज ऑल्सो अ ग्रेट सिनेमैटिक सेंस। वो भी आपको अपनी हर फिल्म के वर्ल्ड में इन्वेस्टेड रखते हैं एंड ही ऑलवेज नो वॉट टू शो एंड वेन टू शो। आई कैन ईजिली इमेजिन हिम क्रिएटिंग अ सिमिलर वर्ल्ड ऑफ असैसिंस लाइक जॉन विक। वो भी अपनी फिल्म्स में एक बहुत ही सिंपल स्टोरी बताते हैं पर बहुत ही कन्विंसिंग और बहुत ही एक यूनिक से वे में। नाउ माय थर्ड रिकमेंडेशन फॉर डायरेक्टिंग जॉन विक वुड बी विक्रमादित्य मोटवानी। ट्रैप्ड, एके वर्सेस एके, भावेश जोशी, ये सभी फिल्म्स को देख के आई कैन इमेजिन हिम मेकिंग अ सीरियस एक्शन फिल्म। विक्रम के डायरेक्शन में एक रॉनेस है जो उनकी हर फिल्म को अलग बनाती है और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो एक नई फिल्म बनाते हैं तो वो एक बहुत ही यूनिक जॉनर फिल्म बन जाती है। सो आई ऑनेस्टली थिंक कि ही कैन बी ऑल्सो अ गुड चॉइस फॉर मेकिंग अ फिल्म लाइक जॉन विक इन इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कन्विक्शन एंड कमिटमेंट ऑफ एन एक्टर। सी जिस तरह से कियानू रीव्स ने जॉन विक को कमिट किया है, ही हैज एक्चुअली कॉल्ड इट द हार्डेस्ट फिल्म ऑफ हिज लाइफ, स्पेशली द फोर्थ वन। दिस जस्ट शोज कि इस एज में भी व्हेन ही इज 58 वो अपने कैरेक्टर्स को लेके कितना कमिटेड हैं। 90% एक्शन सीन्स भी उन्होंने खुद ही किए हैं। इसी तरह से वी नीड समवन फ्रॉम इंडियन सिनेमा हु कैन बी एज कमिटेड टू अ कैरेक्टर लाइक हिम। इंडियन सिनेमा में डेफिनेटली कमिटमेंट की तो कमी नहीं है व्हेन इट्स अ गुड एक्टर एक्टिंग ऑन स्क्रीन। सो इफ आई इमेजिन अ कैरेक्टर लाइक जॉन विक हु इज सैड, हु इज एट द सेम टाइम बैड एस, हु इज समवेयर एम्पैथेटिक, तो मेरे मन में ये 5 एक्टर्स आते हैं। नंबर 1, रणबीर कपूर। Definitely an easy choice. He knows how to show the pain and sadness of someone who has lost everything. वैसे मुझे doubt है कि वो अच्छा action कर सकते हैं कि नहीं, पर जिस तरह से वो अपनी films के लिए prepare करते हैं, definitely he can be a good action hero as well. Now the second actor I have in my mind is Fahad Fazil. जब से मैंने Fahad Fazil को विक्रम में देखा है, जहाँ पे you know I saw him firing guns, looking restless, working day and night. ऐसे लगा था कि John Wick जैसा character उन पे भी suit कर सकता है, और उनकी तो आँखें भी बहुत expressive हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि फहाद इस कैरेक्टर में भी एक बहुत ही रियलिस्टिक परफॉर्मेंस देंगे। नंबर 3 एक्टर रिकमेंडेशन, धनुष। आई थिंक धनुष कैन पुल ऑफ एनीथिंग दीज डेज। जग में थांदीराम और असुरन में ही वॉज सो गुड इन एक्शन एज वेल एंड इमोशनली तो हम उनके कैरेक्टर से हमेशा कनेक्ट करते हैं। सो फॉर प्लेइंग अ जॉन विक टाइप कैरेक्टर ही इज ऑल्सो अ क्रेडिबल चॉइस। इसके बाद आई थिंक शाहिद कपूर इज ऑल्सो अ गुड चॉइस। इट्स ऑलवेज अ ट्रीट टू वॉच शाहिद इन ग्रेट कैरेक्टर्स। उन पे हमेशा से ऐसे रोल सूट करते हैं एंड आई सो वांट टू सी हिम यू नो फायरिंग गन्स एंड किलिंग पीपल। ऐसे कैरेक्टर्स डेफिनेटली उन पे भी सूट करेंगे। नाउ द 5th एंड लास्ट एक्टर रिकमेंडेशन, शाहरुख खान। शाहरुख इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू कियानू एज वाइज और स्क्रीन प्रेजेंस वाइज वी ऑल नो कि वो कितने कन्विंसिंग है। वो नेगेटिव कैरेक्टर हो या ग्रे कैरेक्टर और अ हीरो, ही कैन मेक ऑडियंस कनेक्ट टू एनी ऑफ दोज कैरेक्टर्स एंड रिसेंटली वी सॉ हिम इन पठान। सो उससे पता लगता है कि एज एन एक्शन हीरो ही इज ऑल्सो गुड। सो यू नो शाहरुख पे भी जॉन विक जैसा कैरेक्टर सूट कर सकता है। ए लिस्टर एक्टर्स में से तो आई थिंक शाहरुख खान इज मोर सूटेबल देन एनीवन। आई वाज एक्चुअली इमेजिनिंग ऋतिक एज वेल बट आई कैन नॉट इमेजिन हिम एज अ ग्रे कैरेक्टर और अ बैड गाय हु किल्स पीपल। सो इसलिए आई फेल्ट कि शाहरुख हैड मोर ऑफ एन एज टू दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर। ऑलराइट, मैंने तो आपको अपने 5 कैरेक्टर्स बता दिए जो पोटेंशियली सूट करते हैं जॉन विक जैसे कैरेक्टर को। If you are imagining someone else, then let me know in the comments. I would love to read कि आप उस character को या उस actor को किस तरह से imagine कर रहे हो. And also let me know your opinion on what lacks in our industry to make films like John Wick. मैं सबके comments पढ़ूंगा, so please comment करके जरूर बताना. So alright, I see you in the next video. Till then, keep watching Film Companion Local for more video essays like these.